यही देश, इसको भ्रष्टाचारी देश कहते थे 2014 में, हमें करप्ट स्टेट कहा जाता था, करप्ट यही कहलाता था, निर्णय न लेने वाला देश, यही देश रिमोट कंट्रोल से चलने वाला देश था, यही देश प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री की अथॉरिटी नहीं थी। ये 2014 से पहले का हमने देश देखा है, पॉलिसी पैरालिसिस, नो गवर्नेंस, करप्शन, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये हमने देखा। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन लाओ, परफॉर्म करो और देश में परिवर्तन लाओ, इस मंत्र को लेकर के आगे चले। और उन्होंने क्या कहा कि समय कम है, कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए स्पीड, स्केल और स्किल तीनों को जोड़ करके आगे बढ़ना है। और आज आप देखिए, चाहे दुनिया की बात कर लो, आज चाहे आप किसी भी पैमाने पर देख लो, आज भारत को दुनिया देख रही है और मोदी जी के नेतृत्व को भी दुनिया देख रही है, ये हम सबके ध्यान में। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री पेरिस गए थे, G7 की मीटिंग में किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी रशिया गए थे। ये कभी सोचा था कि पुतिन किसी प्रधानमंत्री को अपने घर में निमंत्रित दे और 6 घंटे तक बैठ करके घर में बातचीत करे? ये संभव हुआ है तो 1-to-1 दोस्ती का संबंध अगर बना पाए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी बना पाए हैं और दुनिया में भी उस बात का हमको असर देखने को। इसलिए दुनिया में तो भारत की छवि प्रधानमंत्री जी ने खड़ी की, देश को भी शक्तिशाली देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, ये भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां कई आंकड़े बता सकता हूं और कई आंकड़ों के बारे में चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं मोटी मोटी 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारत, इंडिया कैसे बदल रहा है, भारत कैसे बदल गया। एक समय था, आप बताइए, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस के चलते आर्थिक मंदी दुनिया में आई कि नहीं आई? जरा जोर से बोलो, आई कि नहीं आई? आप बताइए, कोरोना की मार दुनिया को पड़ी कि नहीं पड़ी? इन सब के बावजूद भी आज भारत, अगर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वो बोलता है कि अगर इकोनॉमी में, आर्थिक जगत में अगर कोई उजाला है और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, इंडिया है। ये हम नहीं बोलते, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलते, मॉर्गन स्टेनली बोलता है कि भारत 2013-14 के बाद बदला हुआ भारत है। ये कांग्रेसी नहीं मानेंगे कि बदला हुआ भारत है। मैं भी क्या करूं, स्वास्थ्य मंत्री हूं, इनको नजरें तो दे सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं, विजन कहां से लाऊं, इनको तो दिखेगा नहीं। लेकिन मॉर्गन स्टेनली बोलता है कि 2013-14 का बदला हुआ भारत आज हमको देखने को। और उसी तरीके से मूडीज का जीडीपी ग्रोथ रेट वह भारत का प्रोजेक्शन 8% का करता है, 8% का ग्रोथ रेट का 2024 का प्रोजेक्शन करता है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।